हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर फ्रेंड करण। तो फिलहाल ये ट्रेड लेके बैठा हूँ जिसमें 72,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है मुझे। एक्चुअली ट्रेड में तो 121 का लॉस हो रहा है, पर सुबह कुछ प्रॉफिट्स हुए हैं तो सब मिला के ऑलमोस्ट 70,000 अभी लॉस में MTM। और अभी फिलहाल मैं कॉल सेल करके बैठा हुआ हूँ 36,100 के, और मार्केट्स बुलिश हो गए हैं। जो एक्सपेक्टेशंस थी बुलिश की, लास्ट 2 दिन में मैंने बुलिश ट्रेड्स ही लिए थे, उसमें अच्छे पैसे भी बने थे। इनफैक्ट कल ही मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा दूँ तो काफ़ी अच्छा एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिला था। जो नीचे थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ था वहाँ से मैंने कॉल्स बाई किए थे और एक लॉन्ग सैडल एक्चुअली क्रिएट किया था, और पुट साइड जैसे ही थोड़ा लॉस शुरू हुआ मैं काट दिया था और कॉल्स को मैं रन होने दिया था, तो उसमें अच्छा प्रॉफिट हुआ था। तो एनीवेज फिलहाल आज ये कॉल शॉर्ट करके बैठा हूँ जिसमें कि मुझे ऐसा लग रहा था कि या तो साइडवेज होएगा या माइल्डली बुलिश होएगा, ऐसा एक दिन रहेगा, इसके लिए कॉल शॉर्ट करके बैठा था। और फिलहाल तो कहीं ट्रैप में अंदर आया हूँ ऐसा लग रहा है, और स्टॉप लॉस के बहुत ही नज़दीक है। जो मेरा आज का स्टॉप लॉस का टारगेट है दोस्तों, वो MTM पे 1 लाख रुपीज़ है, जो कि अभी 72,000 रुपीज़ तो ऑलरेडी चल रहे, तो 30,000 रुपीज़ और शायद लॉस होएगा तो स्टॉप लॉस ट्रिगर भी होएगा मेरा आज के लिए। सो एनीवेज अभी ये ट्रेड देखते हैं कैसे चलता है। मार्केट्स में थोड़ा सा जो मूव आना था अच्छा वो आ गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब यहाँ से शायद चॉपी होंगे या तो धीरे धीरे नीचे आएंगे, ऐसी एक एक्सपेक्टेशन है, तो उस हिसाब से अभी ट्रेड को कैसे मैनेज करेंगे वो भी देखते हैं। तो दोस्तों थोड़ा नीचे आया है मार्केट और ऑलमोस्ट MTM पे देखेंगे 10-15 हज़ार का नुकसान है। तो जैसे ही थोड़ा सा कॉस्ट टू कॉस्ट पे MTM आ जाता है, एक्चुअली कॉस्ट टू कॉस्ट की बात नहीं है पर और यहाँ से 50 पॉइंट्स या 80 पॉइंट्स का ड्रॉप आता है, तो मैं जो अपनी पोजिशन है दोस्तों उसको एक शॉर्ट स्ट्रैडल में कन्वर्ट कर दूंगा, पर जो कि माइल्डली बेरिश स्ट्रैडल लेगा, न्यूट्रल टू बेरिश टाइप का रहेगा, क्योंकि मैं जो स्ट्रैडल कन्वर्ट करूंगा वो 36,100 का ही स्ट्राइक प्राइस करूंगा। जो अभी का ATM प्राइस है उसको नहीं करने वाला, तो थोड़ा सा बेरिश व्यू रख के पर स्ट्रैडल इसके लिए, क्योंकि आज जो मार्केट है दोस्तों वो काफ़ी चौपी दिख रहा है मुझे, तो चौपी मार्केट्स में साइडवेज रहने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो अगर यहाँ से साइडवेज हो जाएगा तो भी स्ट्रैडल में बेनिफिट होएगा, और माइल्डली बेरिश हो जाएगा तो भी बेनिफिट रहेगा। बहुत बड़ा फॉल आने वाला है आज ऐसा तो नहीं लग रहा है मुझे, जो मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि बड़ा एक मूव आ सकता है 300-400 पॉइंट्स का, पर अब वो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है मार्केट्स को फिलहाल देखते हुए, और साइडवेज और थोड़ा चौपी रहेंगे ऐसा ही एक्सपेक्टेशन है। तो वेट करते हैं, थोड़ा और ड्रॉप आता है तो इसको शॉर्ट स्ट्रैडल में कन्वर्ट करूंगा, लेट्स सी देन हाउ इट वर्क्स आउट। इस जगह पे काफी बार हिट कर चुका है प्राइस, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो मैंने जोन आपको ड्रॉ करके फिलहाल बताया ये भी ब्रेक होने वाला है बहुत ही जल्दी, क्योंकि यहाँ पे लोअर हाईज और लोअर लोस भी बनते हुए दिख रहे हैं। बट देन आज जो चौपी डे है दोस्तों, ये सपोर्ट रेसिस्टेंस बहुत अच्छी तरह वर्क नहीं करेंगे, ये ब्रेक होएगा भी तो वापस ऊपर नीचे खेलते रहेगा सपोर्ट रेसिस्टेंस के आसपास, ऐसा मुझे लग रहा है अगर चौपी रहा तो। क्योंकि ये सब सपोर्ट रेसिस्टेंस, ये सब ट्रेंडिंग फेज जब होते हैं, जब वन साइड मोमेंटम चल रहे होते हैं तब अच्छे से हिट एंड रन उस तरीके से वर्क करते हैं, बट देन चौपी डेज पे ये सारी जो टेक्निकल एनालिसिस होती है सपोर्ट रेसिस्टेंस या ट्रेंड लाइन, ये इतने अच्छे से वर्क नहीं करते, और आज चौपी डे तो लेट्स सी कैसे वर्क करता है। फिलहाल ऐसे एक जोन बना के रखा है जोनिंग मार्किंग के लिए, कि यहाँ से प्राइस कहाँ जाता है वो देखने के लिए, इसको इस जोन को ये सपोर्ट ऐसा सोच के कोई मैं ट्रेड लेने वाला नहीं हूँ, यहाँ से कोई नए पुट्स बाय करने वाला नहीं हूँ या कोई पोजीशन नहीं क्रिएट करने वाला नहीं हूँ। ऑफकोर्स एक्सपेक्टेशन है कि ब्रेक होएगा, पर ब्रेक होने के बाद भी वन साइड नीचे जाएगा, अब ऐसी एक्सपेक्टेशन बहुत कम है, और चौपी रहेगा वो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है कि ब्रेक होकर थोड़ा नीचे जाके वापस ऊपर आके वापस नीचे ऐसे सब उस टाइप से चलेगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन है, तो लेट्स सी। तो दोस्तों जो वेट था वो पूरा हो गया और ऑलमोस्ट ये 36,100 का मैं स्ट्रैडल अब मैं बना रहा हूँ, 950 क्वांटिटीज ऐड करना। एक्चुअली सुबह स्ट्रैडल था ही, फिर मैंने उसको ओपन कर दिया था, वापस से स्ट्रैडल को क्लोज कर रहा हूँ और एक स्ट्रैडल में ही कन्वर्ट कर दूंगा। पहले स्ट्रैडल ही था, उसमें मैंने प्रॉफिट्स बुक कर लिए थे 1 लाख पे, और 1 लाख ओपन रखा था जो लॉस में गया था। फिर उसके बाद वापस से अभी जो नीचे आया, जो हमने जैसे वेट किया था कि थोड़ा नीचे आएगा तो स्ट्रैडल में कन्वर्ट करेंगे, तो ये कन्वर्ट हो चुका है और अभी MTM खाली 5-6 हज़ार ही लॉस में है। तो लेट्स सी अब, क्योंकि आप देखोगे तो चार्ट्स पे ऐसा दिख रहा है सपोर्ट्स भी ब्रेक हो गए, लेकिन मेरे जो एक्सपेक्टेशन है कि वन साइड मूव नहीं आएगा इसके लिए ये स्ट्रैडल में मैंने कन्वर्ट किया है। क्योंकि चौपी डेज पर दोस्तों ये सपोर्ट्स ब्रेक करके आपको मैं दिखाऊंगा कि जो जोन्स होते हैं वो किस तरीके से मैनिपुलेट होते हैं, जो जितने भी जोन्स बनेंगे उसके ऊपर नीचे बहुत सारी कैंडल्स बनेंगी, तो ये जो जोन्स को पूरा दिन सपोर्ट रेसिस्टेंस या ट्रेंड लाइंस को देख के ट्रेड करते हैं ट्रेडर्स, उनके स्टॉप लॉसेस बार बार ट्रिगर होते रहते हैं। उसका रीज़न है कि वो
जोन्स को बहुत प्रिसाइजली फॉलो करते हैं, और ये जोन्स के दो तीन ऊपर कैंडल दो तीन नीचे कैंडल ऐसे बनती रहती है। जैसे अभी रिसेंटली भी अगर आपने देखा तो जैसे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ इस जोन का, और तुरंत ही 2-3 मिनट तक कैंडल्स ऊपर गए और फिर वापस अब नीचे आने लगी है। तो ये सब चीज़ें, ऑफकोर्स ट्रेंडिंग डे होता है तब ऐसा नहीं होता है, बट देन चौपी डे में ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। सो यू हैव टू टेक केयर व्हेन यू आर ट्रेडिंग। अभी मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि माइल्डली बेरिश का ही ट्रेड लिया हुआ, क्योंकि मेरा जो स्ट्रैडल है वो नीचे के स्ट्राइक प्राइस का है, तो मेरे स्ट्राइक प्राइस पे आएगा तो ऑफकोर्स प्रॉफिट्स ही होंगे, और नहीं आता है यहीं पे रहता है, थोड़ा चौपी रहता है, साइडवेज रहता है, तो भी कुछ छोटे प्रॉफिट्स तो होंगे। ऐसी एक उम्मीद से ये स्ट्रैडल में कन्वर्ट किया है पोजिशन को, तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स अहेड। तो दोस्तों पूरा दिन निकल गया है, कुछ खास एक्टिविटी हुई नहीं है, तो यहाँ पे मैं अभी अपनी पोजीशंस क्लोज कर रहा हूँ, और ये जो 43-44 थाउजेंड का प्रॉफिट है उसको मैंने बुक कर दिया है फिलहाल। अब देखेंगे तो अप्रोक्स 43,000 रुपीज़ का प्रॉफिट मैंने बुक किया है, क्योंकि ऑलमोस्ट अब 1 घंटा बाकी है और काफ़ी चौपी रहा मार्केट, और यहाँ से नीचे जाएगा ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि नीचे जाना होता तो बड़ी कैंडल्स या बड़े मूव्स आने की ट्राई हुई 2-3 बार, पर वो नहीं जा पाया, नीचे सस्टेन नहीं कर रहे। सो होपफुली मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से और बुलिश मोमेंटम शायद हम देख सकते हैं, तो लास्ट के 1 आवर में बुलिश मोमेंटम होएगा तो मेरा जो स्ट्रैडल है दोस्तों वो लॉस करता, तो इसके लिए एनीवेज स्मॉल प्रॉफिट से लेकर निकल जाते हैं सुबह, तो लॉस में से प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ है, वो भी इज़ नॉट अ बैड ट्रेड। सो एनीवेज इस तरीके से ये ट्रेड को आज मैनेज किया। अगर मज़ा आया हो वीडियो में तो लाइक ज़रूर प्रेस करना, आप अगर लाइक प्रेस करेंगे और मुझे कमेंट में भी लिख के बताना कैसा लगा। तो इस टाइप के मेरे जो लाइव ट्रेडिंग के वीडियोज़ है दोस्तों, मैं जब ट्रेड करता हूँ तो रिकॉर्डिंग चालू रखूंगा, कुछ ना कुछ शूट करने की ट्राई करूंगा, आप लोग क्या शेयर करते रहूँगा। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में दोस्तों। फिर ठीक है, जल्दी मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का खास ध्यान रखिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके सिर पर बना रहेगा दोस्तों, तो ज़िंदगी में सफलता हर जगह बहुत ही आसानी से मिलेगी। टेक केयर, सी यू।